व्हाट्सअप गाइस, सो आज हम देखने वाले हैं इंडियन बाइक ड्राइव थ्री के कुछ मिथ्स, लेटेस्ट मिथ्स जो कि आप लोगों ने कमेंट्स करके बताए, और ये मिथ्स काफी ज्यादा खतरनाक है, तो एंड तक जोर से देखना, लेट्स गो। यानी इस वाले लेटेस्ट अपडेट में दो गाड़ियां, एक तो सबसे पहले जेसीबी एंड 8880 से आएगी यहाँ पर हमर, तो ये दो गाड़ियां, तो ये भी मैंने यहाँ पर ले लिया कमेंट एक टाइप से, तो आप भी कमेंट कर सकते हो जो भी आपको मिथ्स पता हो। तो चलिए भी नेक्स्ट मिथ देखते हैं, लेट्स गो। नाइट मोड लगा के जेसीबी का लेफ्ट बटन को दो बार क्लिक करो, न्यू मिथ है, ओके। तो नाइट मोड लगाना अपने को सबसे पहले, तो यहाँ पर जाएंगे नाइट मोड, यहाँ पर लग चुका है। एंड इसके बाद जेसीबी का लेफ्ट साइड में अपने को दो बार क्लिक करना है, जेसीबी का चीट कोड 6677, तो यहाँ पर हम लगाएंगे। ये जेसीबी अपनी आ चुकी है, इसके अपने को एंटर करना है। इसके लेफ्ट साइड में आपको पता होगा काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं अपने को, तो अभी लेफ्ट साइड में ओके, इस बटन को दो बार प्रेस करना अपने को, कुछ भी नहीं हो रहा अभी तक। अबे वेट ए सेकंड, यहाँ पर देखो कि आगे लाइट चल चुकी है, ये देखो, तो अभी मतलब पहले नॉर्मल नहीं चलती है, मतलब इसमें लाइट का बटन आप देख सकते हो, लाइट का बटन है ही नहीं इसमें, लेकिन इस टाइप से ये ऊपर वाला सबसे नीचे वाला ये बटन है, ये वाला जो एरो डाउन एरो वाला, इस पर क्लिक करना डबल, तो सिंगल में भी चल जाएगी, ये देखो, तो इस टाइप से आप लाइट चला सकते हो जेसीबी के अंदर। तो ये वाला मिथ काफी इंटरेस्टिंग था, ये होता है कन्फर्म। नेक्स्ट मिथ, सीट इन जेसीबी एंड हमर एट सेम टाइम। ओके गाइस, तो दोनों साइड मैंने स्पॉन कर दिया, एक साइड हमर और एक साइड जेसीबी, दोनों को एक साथ एंटर करते, लेट्स गो, अभी एंटर करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। ओके, एंटर हमने कर लिया, एंड कुछ खास इंटरेस्टिंग हुआ नहीं भाई, मतलब अपने नॉर्मल गाड़ी के अंदर भी अगर एंटर करते हैं दो गाड़ियों के बीच तो भी कुछ होता है, मतलब इधर टेलीपोर्ट हो चुका हूँ मैं, एक सेकंड भाई, यहाँ पर टेलीपोर्ट कैसे हो, इसका गेट ऑटोमेटिक ओपन हो रहा है वो देखो भाई पूरा, एंड अबे हम टेलीपोर्ट हो रहे एक टाइप से, ये देखो, एक टाइम पर हम दो गाड़ियों को चला सकते हैं, वो सिस्टम इसमें एक्टिवेटेड नहीं हो रहा, लेकिन हम टेलीपोर्ट जरूर हो रहे कुछ इस टाइप से, तो ये मिथ होता है कंफर्म। नेक्स्ट मिथ, जेटपैक से पुलिस स्टेशन के ऊपर फ्लोर में जा सकते हो। ऑल राइट, तो जेटपैक का चीट कोड यहाँ पर 320, एंड यहाँ पर जेटपैक को मैंने स्पॉन कर दिया, अभी इसका आपको पता होगा लेटेस्ट अपडेट में एड किया गया ये वाला पुलिस स्टेशन, तो इसके अंदर आप जेल के अंदर जा नहीं सकते हो, तो जेल का चीट कोड भी किसी बंदे ने बताया, तो वो भी हम ट्राई करेंगे, एंड इससे हम जा पाएंगे, लेट्स सी गाइस, इसको कैसे जाएंगे वो मेरे को वैसे एक बार मैंने ट्राई कर रखा है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाना एंड इस तरीके से एंड एग्जिट कर लेना है। ये देखो, जेटपैक की हेल्प से हम बिल्कुल अंदर आ चुके इस वाले ऊपर वाले फ्लोर के अंदर, तो देख सो, तो नीचे तो आपको पता होगा नीचे तो हम जा ही सकते लेकिन ऊपर भी आ सकते कुछ स्टेप से, तो ये मिथ होता है कन्फर्म। किसी भी कार को पुलिस स्टेशन बैक साइड चिपका कर एग्जिट करो, जेल में जाओगे। ओके गाइस, ये वाली पोजीशन की बात हो रही है यहाँ पर, तो कोई भी आपको कार स्पॉन कर लेने, चलो गाइस हमर स्पॉन कर लेते हैं यहाँ पर, तो 8880 भी लेटेस्ट अपडेट में ऐड करेगी हमर, तो अभी इसी का ज्यादा यूज करना चाहिए अपने को, तो लेट्स गो, अभी आपको एंटर करना है, जैसे मैं यहाँ पर अभी बिल्कुल इतना ज्यादा क्लोज में आपको इस टाइप से लगानी इसको, एंड जैसे एग्जिट करोगे आप सीधे इसके अंदर जा पाओगे, ये देखो भाई अंदर आ चुके हैं बिल्कुल ही, ये देखो जेल के अंदर आ चुके इस टाइप से, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने की फिर कोई ऑप्शन नहीं है, फिर अपने को कुछ इसी टाइप से इसके पास में जाना पड़ेगा, एंटर करेंगे तो हम एग्जिट भी हो पाएंगे, तो ये मिथ भी होता है कन्फर्म। नेक्स्ट मिथ, आरजेस टूल में हाउस कलर लगाओगे तो शोरूम कलर भी लगेगा। अच्छा एक सेकंड, तो आपको पता होगा यहाँ पर हम हाउस का कलर चेंज कर सकते हैं, HOUSCOLOR यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे हम रेड, यहाँ पर जैसे रेड लिखेंगे तो अपना हाउस का कलर यहाँ पर रेड हो चुका है, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर शोरूम का कलर भी रेड हो जाएगा अगर यहाँ पर आप टाइप करोगे, तो मैं शोरूम पर जाकर देखता हूँ यहाँ पर अपना शोरूम का कलर चेंज हुआ है या फिर नहीं। भाई सच में ये देखो, शोरूम का कलर भी अभी चेंज हो सकता है इस टाइप से, अभी हम यहाँ पर RGB लिखेंगे, क्या RGB होगा या फिर नहीं, यहाँ पर RGB लिखते लेकिन नहीं, RGB नहीं होगा लेकिन दूसरे कलर तो हो सकते होते, ये मिथ भी होता है कन्फर्म। नेक्स्ट मिथ, जेसीबी से ट्रेन उठा सकते हो। वेट ए सेकंड भाई, ये क्या बात कर दी, वेल ट्राई करते हैं अभी, लेट्स गो, जेसीबी को स्पॉन करते एंड लेट्स गो, अभी मेरे को नहीं लगता कि हम ट्रेन को उठा सकते लेकिन एक बार ट्राई करके देखते क्या पता सच में ऐसा, भाई देखो कितने सारे कंट्रोल्स है इसके, वैसे मेरे को अभी तक इसके कंट्रोल के सारी चीजों के पता नहीं चले कौन सा कंट्रोल किसका है, तो मैं ओके इससे आगे वाला सिस्टम एक्टिवेटेड होगा, ओके बिल्कुल पहले नीचे ले जाएंगे इसकी आगे की ट्रंक को कुछ इस तरीके से, ओके नीचे ले जाना है एंड इसको इस टाइप से सेट करना बिल्कुल ऐसे, ये देखो कुछ इस टाइप से एंड ऐसे इसको बिल्कुल ही यहाँ पर चिपका कर लगा देंगे इसको, एंड नहीं सही से नहीं लग रहा लेकिन हाँ आई थिंक हो तो जाना चाहिए, एंड अभी इसको ऊपर उठाते, अबे वेट भाई अपनी ट्रेन तो नहीं उठी लेकिन अपना ये कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर के सॉरी इसकी जेसीबी जरूर ऊपर उठ चुकी पीछे की साइड से वो भी, रुको एक बार फिर से ट्राई करते एंड इसको थोड़ा और नीचे रखते कुछ नहीं इतना ज़्यादा नीचे कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो इंस्टीड ऑफ इस टाइप से हम इस टाइप से ट्राई करते हैं, लेट्स गो भाई, फिर भी ये जेसीबी उठ रही है भाई पीछे से उठ जा रही है, ये देखो भाई नहीं भाई नहीं उठा सकते हम, तो ये मिथ होता है बस के।
नेक्स्ट मिथ, सेकंड फ्लोर जहां पुलिस स्टेशन लिखा है वहां पास जाकर कुछ भी कार या बाइक स्पॉन करो, जेट पैक से अंदर चले जाओगे। प्लीज टेक माय मिथ, लेट्स गो, अभी चलते हैं, ये भी ट्राई करते हैं। ओके गाइस, ये देखो पुलिस स्टेशन लिख रखा है, इस वाले ऊपर वाले फ्लोर में हम जा सकते हैं, आई थिंक इनका यही कहना है। तो ये था हमने अभी ट्राई किया, तो वैसे यहाँ पर एक हम कर सकते हैं, देखिए गाइस। तो यहाँ पर आपको कोई भी एक कार स्पॉन करनी पड़ेगी, इस टाइप से गाड़ी को लगाना है चिपका कर, एंड आप जा पाओगे जेल के अंदर, जैसे एग्जिट करेगा कुछ इस तरीके से, ये देखो गाड़ी को पास में लगा कर। लेकिन गाइस हम ऊपर वाले फ्लोर में भी जा सकते हैं, अभी उस वाले फ्लोर में हम गए नहीं, तो मैं अभी ट्राई करता हूँ वहां पर कैसे जाएंगे। और गाइस यहाँ पर देखते देखते एक और मेरे को मस्त मिथ पता चला, ये देखो यहाँ पर बिल्कुल पास में जाना आपको, और यहाँ पर कोई भी एक चीट कोड लगा दें, जैसे कि मैं यहाँ पर एक निंजा स्टोर को स्पॉन कर देता हूँ, तो गाइस ये निंजा स्टोर उस वाले फ्लोर पर स्पॉन हुई ऊपर वाले पर। एंड वहाँ पर जाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 320 से ये वाला जेट पैक स्पॉन करना है, एंड इसको लेकर आप ऊपर जा सकते हो, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में गए थे, तभी एंटर करना अपने को, एंड इसी टाइप से आपको उड़ाना ऊपर, देन अपने को बिल्कुल ही पास में ले जाना है कुछ ऊपर। उड़ाने के बाद ये देखो यहाँ पर हम आ चुके हैं, एंड इतना भी ज़्यादा ऊपर नहीं आना भाई, बस यहाँ पर जो ग्लास दिख रहे हैं अपने को यहाँ तक ही आना है, एंटर कर लेना। एंड ये देखो भाई ऊपर वाले फ्लोर में आ चुके, ये देखो गाड़ी के नीचे, मतलब हम कहाँ पर चल रहे हैं, नीचे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वॉल है या फिर क्या फर्श है पता नहीं, हम इस पर चल पा रहे हैं जबकि नीचे कुछ दिख भी नहीं रहा है। एंड गाड़ी को भी ड्राइव कर सकते हैं भाई, ये देखो भाई ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा है यहाँ पर देख सकते, लेकिन एग्जिट नहीं हो पा रहे हैं यहाँ से हम। खैर गाइस ये वाला मिथ भी होता है कंफर्म। नेक्स्ट मिथ, एडजस्ट रूम में सीसीटीवी ऑन लिखो तो पुलिस स्टेशन के कैमरे चालू हो जाएंगे, भाई ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है मेरे को, ऐसा हो गया तो लेट्स गो, एक बार टाइप करते सीसीटीवी कैमरा ऑन, ये लिखना था, चलो इन नहीं भाई ऑन, लेट्स सी गाइस क्या यहाँ पर कैमरे ऑन होंगे, यहाँ पर ट्राई करते हैं, नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, वेट यहाँ पर नॉर्मल सीसीटीवी लिखते हैं सीसीटीवी, एंड यहाँ पर देखते कुछ होता, नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये मिथ होता है बस। पुलिस स्टेशन में सीढ़ियों के पास में थोड़ा लेफ्ट से जंप करो, अंदर जा पाओगे। ओके ये सीढ़ियों के साथ भी आप देखो इसके अंदर हम जा सकते हैं, लेफ्ट साइड से थोड़ा सा जंप करना है, तो ये है लेफ्ट साइड थोड़ा सा, एंड नहीं भाई कहाँ से जा पाएंगे भाई, इस जेल के अंदर तो हम जा चुके, तो अभी मेरा यहाँ पर मकसद रहने वाला इसके अंदर भी जाना, लेकिन भाई कैसे भाई ये कॉमेंट किया, लेकिन मेरे को एक बार ट्राई आई थिंक होता तो होगा भाई, लेकिन कैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा, वेट एक बार फिर से ट्राई करते हैं, नहीं भाई ये जा ही नहीं पा रहा भाई, कैसे जाएगा, वेट थोड़े शांति से ट्राई करते हैं। एंड अभी ओके ये देखो, यस भाई हम सीढ़िया के यहाँ पर आ चुके, ये मस्त है भाई, ये देखो पूरी सीढ़िया लगा रखी, पूरी बना रखी है, लेकिन ये पूरा कंस्ट्रक्शन एरिया मतलब पूरा यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए डेवलपर ने यहाँ पर ये वॉल वगैरह लगा दी, लेकिन सीढ़िया पूरी बना रखी ये देख सकते यहाँ पर, तो यस ये मिथ होता है कन्फर्म। नेक्स्ट मिथ, ट्रेन और जेसीबी में एक साथ एंटर करो, भाई ये फिर से कुछ इंटरेस्टिंग लगा। सो गाइस अभी देख सो तो साइड में जेसीबी इस साइड ट्रेन है, दोनों को एक साथ एंटर करते हैं, लेट्स गो, दोनों का एंटर बटन भी आ चुका है, एंड देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है ऐसा, वेट अबे ये क्या है, अबे एक सेकंड इसके, अबे एक सेकंड भाई मैं कुछ भी नहीं चला पा रहा हूँ यहाँ पर भाई, एक सेकंड इसके ट्रेन के कंट्रोल्स भी आ रहे हैं यहाँ पर, एक्सीलेटर ब्रेक क्लच वगैरह, क्लच तो नहीं आ रहा लेकिन एक्सीलेटर ब्रेक आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर जेसीबी के कंट्रोल्स भी आ रहे सारे सारे, लेकिन कंट्रोल किसी को भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं लिटरली, ये एंटर इस साइड से ये वाला कैमरा एंगल आ रहा है, एंड अबे पिछवाड़े में बंदूक ये देखो ये कितना खतरनाक लग रहा है, पिछवाड़े में बंदूक लगा दी जैसे, लेकिन भाई यहाँ पर कंट्रोल कुछ नहीं करते, लेकिन ये एक टाइप से मिथ होता है कंफर्म। लेट्स गो नेक्स्ट मिथ, स्टिकी मैन बनकर जेसीबी और हमर में बैठो, जेसीबी फूटने तक अंदर रहना है। ओके लेट्स गो यहाँ पर ट्राई करते, अपने को सबसे पहले इन्फिनिटी हेल्थ लगा लेनी 9129 लगा कर, देन अपने को आगे की प्रोसेस, स्टिकी मैन बनने के लिए आपको कुछ इस टाइप से जमीन पर काफ़ी सारे स्टिकी बम लगा देने, एंड उनके ऊपर आपको गिरना है। सो गाइस अभी देख सो तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर लगा दिया, एंड इनके ऊपर आना है अपने को, एंड यहाँ पर जाकर 1120 आपको टाइप करने, तो यहाँ पर स्काई फॉल होगा और हम सीधे इनके ऊपर गिरेंगे। एंड ये देखो भाई स्टिकी मैन अभी हम बन चुके हैं, एंड अभी देखते अपने को सबसे पहले यहाँ पर हमर के भी अंदर बैठकर ट्राई करना है, एंड जेसीबी के अंदर भी, तो चलो सबसे पहले जेसीबी को स्पॉन करते हैं 6677, यहाँ पर जेसीबी को हमने स्पॉन कर लिया, एंड अभी एंटर करते क्या होने वाला है ऐसा, लेट्स गो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही खतरनाक चीज़ होगी शायद। ओ बे एक सेकंड भाई ये क्या हो रहा है, अबे जेसीबी पूरी उलट पुलट हो चुकी भाई, इतनी ज़्यादा भारी भरकम जेसीबी यहाँ पर उलट पुलट हो चुकी है और हम कुछ कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे। ओके वेट अच्छा कंट्रोल हम कर सकते हैं, इसकी पीछे की जो ट्रंक वगैरह है इनको, ये देखो हम इनको छोटा मोटा कर सकते भाई, वेट अबे ब्लास्ट हो चुका ये,
भाई मेरे को नहीं लगा था हम ब्लास्ट भी कर सकते, ब्लास्ट हो चुके भाई, ये खतरनाक है भाई। और अपना कैरेक्टर देखो पूरा मस्त आराम से बैठा है, कुछ भी परवाह नहीं इसको, आराम से भाई ब्लास्ट हो। मेरे को ये नहीं पता था कि इस टाइप से ब्लास्ट भी हो सकती है। ये ब्लास्ट ये नहीं हुई, ये ब्लास्ट इसकी स्टिकी बॉम्ब हुए, अभी समझ में आया मेरे को। चलो अभी एक बार फिर से स्टिकी बॉम्ब बनकर हमर के अंदर बैठते हैं। ऑल राइट गाइस, अभी हमर के अंदर ट्राई करते हैं इसी सेम चीज को एंड देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। लेट्स गो। ओ भाई ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक सीन भाई, पूरी गाड़ी देखो क्या हाल हो चुका है भाई, क्या तूफान उफान ये क्या हो रहा है भाई, पूरी घूम रही गाड़ी देखो कितनी ज्यादा खतरनाक तरीके से, एंड पूरी चक्री बन गई भाई गाड़ी की, खतरनाक भाई ये। और अंदर से देखो भाई पूरे यहाँ पर खतरनाक ही सीन लग रहा है, लेकिन ये ब्लास्ट नहीं हो रही है। देखो अपनी जैसी भी ब्लास्ट हो चुकी थी, लेकिन ये तो ब्लास्ट भी नहीं हो रही भाई, अभी इसे एग्जिट भी नहीं हो पा मैं सही से, अभी एग्जिट हुआ कुछ इस टाइप से, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग था। तो ये मिथ होता है कन्फर्म। मिथ चैलेंज, ट्रेन के आगे 10 जेसीबी लगाओ और ट्रेन चालू करो। भाई मिथ दिया या फिर यहाँ पर चैलेंज, तो चलो 10 यहाँ पर जेसीबी लगा देता हूँ मैं जल्दी से, यहाँ पर जाएंगे जल्दी जल्दी मैं 10 जेसीबी स्पॉन कर देता हूँ आगे। ये लो भाई इतनी सारी जेसीबी स्पॉन कर दी, 10 से भी ज्यादा कर दिया आई थिंक, एंड अभी ट्रेन को स्टार्ट कर देते। चलो भाई अभी देखते क्या होने वाला इन जेसीबी के साथ में। तो यहाँ पर ट्रेन को इंजन को करते फॉरवर्ड एंड यहाँ पर हॉर्न वॉर्न बजा देते भाई, सामने से हट जाओ। अबे ट्रेन चली नहीं, इंजन को फॉरवर्ड कर दिया, अबे ट्रेन नहीं चल रही एक सेकंड भाई, सच में ट्रेन चली नहीं रही, ये क्या सीन हो रहा है एक सेकंड भाई, आई थिंक ट्रेन में कुछ ग्लिच हो रहा है या फिर क्या सीन है, ऐसा कैसे हो सकता है, ट्रेन कैसे नहीं चल सकती भाई, ट्रेन तो यहाँ से आगे तक नहीं बढ़ी। इंजन को फॉरवर्ड भाई, सच में ये देखो इंजन को फॉरवर्ड, अबे इतनी देर से मैं यही तो कर रहा था अभी जाकर चली, पता नहीं पहले क्या नशा फूक रहा था, मेरे को लगा जेसीबी ने रोक दिया भाई। मैडम जी देखो मस्त मक्खन खतरनाक खत्म हो चुकी, भाई जेसीबी को भी साइड में कर दिया भाई ट्रेन ने, तो कुछ भी औकात नहीं इन सभी छोटी मोटी चीज़ों की भाई, ऊपर आकर पड़गी। तो यस भाई ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और आप भी कुछ चैलेंजेस मेरे को कॉमेंट कर सकते हो, आने वाले वीडियोस में हम ट्राई करेंगे। नेक्स्ट मिथ, जोम्बिस को जेसीबी के अंदर बढ़ सकते। वेट ए सेकंड, जेसीबी के अंदर मतलब आगे की जो ट्रंक है इसके अंदर आई थिंक, तो चलो पहले से हम तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर जेसीबी लेकर ऑलरेडी मैं आ चुका हूँ, एंड भाई जेसीबी सच में भाई इसको आज थोड़ा सा समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब किस टाइप से कंट्रोल होंगी ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन लेट्स गो गाइस। अभी सामने से फुल यहाँ पर भगदड़ आने वाली है, एंड अभी मैं इनको सबको भर कर यहाँ पर डालने वाला हूँ कहीं पर भी। तो चलो अभी ये सामने आ चुका है भाई, ये तो ऑटोमेटिक सामने टकरा कर मरते जा रहे हैं, एंड रुको यहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा पावर है भाई इनके अंदर। ये देखो भाई मैं नीचे भी नहीं कर पा रहा भाई, ये देखो पूरी जेसीबी को हिला दिया भाई, इतने ज़्यादा पावर भाई, सच में भाई जेसीबी कुछ इज्जत विज्जत है कि नहीं भाई यार, इतनी ज़्यादा बेचारी, ये खिलौना है क्या, लेकिन इनकी जनसंख्या भी कुछ ज़्यादा ही है, इतने सारे मिलकर अटैक करेंगे तो भाई अच्छे अच्छे यहाँ पर ये खत्म कर देंगे, एंड भाई जेसीबी कुछ औकात नहीं रही इनके सामने। ये देखो भाई कितने ज़्यादा खतरनाक तरीके से जेसीबी, मैं कुछ भी यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, ये देखो ऑटोमेटिक ये खुद ही ले जा रहे, तो भाई जेसीबी उल्टा कर दिया इन्होंने भाई। ज़ोंबी अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो कॉमेंट्स में ज़ोंबी ओपिक कर दो आप भाई, ज़ोंबीज के आगे सल्यूट है भाई। तो गाइस ये थे सारे सारे मिथ्स जो कि आप लोगों ने कमेंट्स किए थे, लेकिन आपको और भी कुछ मिथ्स बताओ तो कमेंट्स में जोर से बताना, एंड आपको ऑल चीट कोड देखने जहां पर आपको चीट कोड आरजेस टूल के चीट कोड गेम को पूरा एक्सप्लेन देखना है, तो लेफ्ट वाला वीडियो देखो और राइट वाला वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग है। बाय बाय।